कृष्ण, उस स्थान पर मुझे ले चलिए जहाँ आपकी बांसुरी की ध्वनि सदैव मेरे कानों में पड़े और मेरे मन को शांति दे। हरे कृष्णा। भगवान कृष्ण को समर्पित एक धार्मिक संगठन द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, जिसे इस्कॉन के नाम से अधिक जाना जाता है। यह एक हिंदू धार्मिक संगठन है जिसके मंदिर पूरे भारत के साथ साथ विदेशों में भी स्थापित हैं। इस्कॉन मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित एक भव्य मंदिर है जिसे हरे राम हरे कृष्णा मंदिर के रूप में जाना जाता है। भारत में लगभग 125 और पूरे विश्व में लगभग 600 मंदिर हैं। राधे राधे गुरु। राधे राधे, हरे कृष्ण। आप ये बताइए कि आप इस्कॉन से कितने सालों से जुड़े? मैं इस्कॉन से जो है बचपन से जुड़ा हूँ। मेरे फैमिली जो है इस्कॉन से कनेक्ट थी, तो घर वालों की वजह से जो है मैं भी बचपन से जो है इस्कॉन से जुड़ा हूँ। और यहाँ पर पिछले 10 सालों से जो है फुल टाइम ब्रह्मचारी के रूप में सेवा कर रहा हूँ। इस मंदिर को श्री श्री राधा पार्थ सारथी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर का नज़दीकी मेट्रो स्टेशन नेहरू प्लेस है। मंदिर के द्वार प्रातः 4:30 बजे मंगल आरती के साथ खुलते हैं। मंदिर के मुख्य द्वार के सामने ही गरुड़ देव जी की मूर्ति है जो भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु के वाहन के रूप में जाना जाता है। कृष्ण के दर्शन से पहले इनकी परिक्रमा करना अनिवार्य है। और जो आप ये इस्कॉन मंदिर देख रहे हो दिल्ली का, तो शिला प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि भारत की राजधानी नई दिल्ली में जो है एक भव्य इस्कॉन का मंदिर बने। इस्कॉन मंदिर में कई तरह की दिव्य आरतियां भी की जाती हैं। रात्रि 8:30 बजे की आरती के बाद भगवान को शयन कराया जाता है। यहाँ की आरतियों का दृश्य बेहद ही खूबसूरत होता है। सभी भक्त हरे कृष्ण के भक्ति रस में डूबकर नाच गाने के साथ कृष्ण की आरती में शामिल होते हैं। भक्ति से कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए कि मुझे ये करूँगा तो ये मिलेगी, वो करूँगा। भगवान ऐसा रहस्य है कि भगवान से आप जुड़ सकते नहीं हो, भगवान को प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि भक्ति देवी है वही भगवान को समर्पित होती है। तो हमें अपने आप को समर्पित नहीं करना, हमें भक्ति में भजन करना। भजन को आप समर्पित कर दोगे तो आप अपने आप ही भक्ति को समर्पित हो। भक्ति बहुत प्रेम विषय है। जैसे हम नाम जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, या राधा 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 जप करते हैं, तो उस नाम का हमें रस लेना चाहिए पर्पल कि हाँ ये नाम जो चल रहा है इस नाम का रस है। इससे मुझे कुछ मिले या ना मिले मुझे इससे कोई आसक्ति नहीं है। इस नाम का रस है कि मेरे को इस नाम की इतना अच्छा लगता है कि नाम लेता हूँ, यही मेरा जीवन है, यही मेरा साधन है, यही मेरा आधार है। इसके बिना मेरा कोई जीवन नहीं है। इसी से मुझे भगवान प्राप्त होंगे, इसी से मुझे राधा रानी के चरण प्राप्त होंगे। तो भक्ति इतनी सुंदर चीज़ है कि हमें बस भक्ति को प्रेम विषय जानना है। इस्कॉन मंदिर के अंदर ही आपको सभी तरह की भाषाओं में गीता भी आसानी से मिल जाती है। साथ ही विश्व की सबसे बड़ी गीता भी इसी इस्कॉन मंदिर में स्थापित की गई है। यहाँ की सबसे बड़ी गीता है, गिनीज बुक में इसका नाम है और 800 kg इसका वजन है। और 2019 में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों इस भगवद गीता का यहाँ पर उद्घाटन किया गया है और इटली से बनकर आई थी ये गीता। ब्रह्मचारी आपने कहा, तो ब्रह्मचारी जीवन के बारे में कुछ बताइए कि ब्रह्मचारी जीवन कैसा है? तो हमारे शास्त्रों में जो हैं 4 आश्रम बताए गए हैं, ब्रह्मचारी ग्रस्त वानप्रस्थ और सन्यास। तो ब्रह्मचारी जीवन का अर्थ होता है कि जो गुरुकुल में रहते हैं, गुरु के आश्रय में रहते हैं, गुरु के आश्रय में रहकर गुरु के आनुगत्य में गुरु की सेवा करते हैं और भगवान की सेवा करते हैं, उसको कहते हैं ब्रह्मचारी। यानी जो संसार से दूर रहते हैं, यानी जो विवाह नहीं करते हैं, वही ब्रह्मचारी हैं।
लेकिन ब्रह्मचारी जो हैं बाद में गृहस्थ आश्रम में भी जा सकते हैं, वह चाहे तो पूरे लाइफ टाइम ब्रह्मचारी रह सकते हैं, और वह चाहें तो वानप्रस्थ या संन्यास आश्रम में भी जा सकते हैं। तो ब्रह्मचारी आश्रम एक तरह से विद्यार्थी जीवन है जिसमें शास्त्रों का अध्ययन करना होता है। भगवान कृष्ण के उपदेशों को पढ़कर उनका सही ढंग से पालन करने वाले व अपनी पूरी जिंदगी भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर चुके लोगों को ब्रह्मचारी कहा जाता है। मंदिर का आकार इतना खूबसूरत है कि दूर दूर से लोग यहाँ की सुंदरता को देखने आते हैं। और यह मंदिर 1998 में जो है इस मंदिर का उद्घाटन हुआ था, और उस समय भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस मंदिर का उद्घाटन किया था। और बहुत ही भव्य मंदिर है, बहुत ही सुंदर मंदिर है, और इस मंदिर का नाम है श्री श्री राधा पार्थ सारथी मंदिर। हरे कृष्णा। मंदिर के पास ही एक संग्रहालय है जहां पर श्री कृष्ण राधा और रामायण महाभारत से जुड़ी कई अलग अलग प्रस्तुति देखने को मिलती है। मंदिर परिसर में बने गेस्ट हाउस और रेस्टोरेंट यहाँ दर्शन करने आए श्रद्धालु और पर्यटकों की सारी सुख सुविधा का ध्यान रखते हैं। यहाँ की गोविंदा रेस्टोरेंट की खासियत है कि यहाँ पर शुद्ध शाकाहारी भोजन ही आपको मिलेगा। ये रेस्टोरेंट जो है ये यहाँ पे कब बना था? हरे कृष्णा। तो हमारा ये रेस्टोरेंट 2005 के आसपास ओपनिंग हुआ था, और शिला प्रभुपाद जी का बहुत बड़ा मतलब एक ड्रीम था गोविंदा रेस्टोरेंट को लेके। तो हमारे शिला प्रभुपाद जी ने ये जो है गोविंदा जो वेंचर है उस 1975 के आसपास उन्होंने स्टार्ट किया, और पूरे विश्व में हमारे अभी जो है 100+ गोविंदा रेस्टोरेंट है जो पूरा मतलब वो पूरे सभी को प्रसाद खिलाते हैं गोविंदा का, और हमारा जो गोविंदा है पूरा सात्विक फूड यहाँ पे मिलता है। रेस्टोरेंट के अलावा मंदिर में हर रोज 5,000 से 6,000 भक्तों के लिए प्रसाद भी बनाया जाता है। शिला प्रभुपाद ने जब इस्कॉन की स्थापना किया था तो उनकी एक हार्दिक इच्छा थी कि जहाँ पर भी इस्कॉन का केंद्र हो उसके लगभग 10 किलोमीटर के दायरे में कोई भी भूखा ना रहे। तो इस्कॉन की स्थापना के बाद जो है शिला प्रभुपाद जी ने इस्कॉन फूड टूर लाइव प्रोग्राम शुरू करवाया था। तो इस्कॉन फूड टूर लाइव के माध्यम से जो है यहाँ पर प्रसाद बनाया जाता है, जैसे खिचड़ी प्रसाद, और कभी कभी राइस दाल प्रसाद, कभी हलवा प्रसाद, तो ये सब हम लोग यहाँ पर बांटते हैं। तो दिल्ली मंदिर लगभग प्रत्येक दिन 5-6 हज़ार लोगों को जो है प्रसाद बांटता है इस्कॉन फूड टूर लाइव के माध्यम से। श्री कृष्ण की छवि इतनी निराली है कि किसी को भी अपनी तरफ मोहित करती है। उनका सुंदर स्वरूप सभी के मन को प्रसन्न करता है। श्री कृष्ण का प्रेम भक्तों को इस्कॉन आने पर मजबूर कर ही देता है। सभी को एक बार तो इस्कॉन मंदिर आकर श्री कृष्ण के दर्शन जरूर करने चाहिए, जिससे मन को शांति और दिल को सुकून मिलता है, और अपने आप ही आपको हरे कृष्ण की धुन पर नचाता है।